साथियों, हमने पिछली दो वीडियो में दुनिया के दो अजूबों के विषय में जाना था कि ये सात अजूबों की कैटेगरी में क्यों शामिल किए गए हैं। अब हम जानेंगे दुनिया के तीसरे अजूबे पेट्रा के विषय में। जय श्री कृष्णा साथियों। दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, ताकि हम आपको बेहतर जानकारी दे पाएँ। साथियों, पेट्रा प्राचीन काल से ही बहुत प्रसिद्ध है। यह जॉर्डन में बसा एक ऐतिहासिक नगर है। यह मृत सागर और लाल सागर के बीच स्थित है। पेट्रा का नाम एक यूनानी शब्द पेट्रोस से पड़ा है, जिसका मतलब चट्टानों से होता है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो यह 312 ईसा पूर्व से भी पहले का निर्मित है। यह बड़ी बड़ी इमारतों और चट्टानों में तराशे जाने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ की चट्टानें लाल रंग की होती हैं, इसलिए इसे रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रा जॉर्डन का सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल माना जाता है। इसको विश्व विरासत की सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। यह एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। पेट्रा में रात के समय पर्यटन करने का भी विकल्प है। यहाँ पर मोमबत्तियों के साथ जलाया जाने वाला दृश्य आकर्षक और सुंदर लगता है। इस शहर में वाहनों का जाना वर्जित है। पेट्रा के आसपास 265 वर्ग मीटर में एक पुरातत्व पहाड़ भी है। तो साथियों, ये थी पेट्रा की वो विशेषताएं जिनकी वजह से इसे सात अजूबों में शामिल किया गया है। अब आने वाली वीडियो में हम दुनिया की चौथे अजूबे के विषय में जानेंगे। वो कौन सा है, उसका नाम कमेंट करके बताएं। और साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।